रूबिका, यहाँ पे मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा और कुछ जानकारी भी देना चाहूंगा कि अनिल बलूनी जो मीडिया प्रभारी है बीजेपी के, वो लगभग 8 बजे पहले बात मंदिर जाएंगे, उसके बाद वोटिंग के लिए जाएंगे। करीब 8 से 8:30 बजे का टाइम है। उसके अलावा गणेश गोदियाल जो उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, दोनों का मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें इस पोलिंग स्टेशन की दिखाऊं, ये गढ़वाल है, पौड़ी का ये जो इलाका है, आप देखे किस तरीके से लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि जिससे कि आप जो वोटर्स हैं वो कनेक्ट हो सके। मेरू वोट मेरू अधिकार, इस तरीके से मेरा वोट और मेरा अधिकार यहाँ के। और यहाँ पर आप देखें कि पौड़ी की बॉडी और इस तरीके से महिलाओं को किस तरीके से वोटिंग का अधिकार है, महिलाओं का क्या भागीदारी है, वो तमाम चीजें दर्शाने की कोशिश की गई है। चलिए लौटेंगे मानव, जरा आपके पास हम नहीं आए थे, जरा आप भी बता दीजिए, सहारनपुर में आप मौजूद हैं और यहां पर भी मुकाबला कड़ा होने वाला है। संजीव बालियान जबरदस्त कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से, जरा बताइए क्या तैयारी, आपके पीछे काफी सजावट हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से है, पंकज मैं बस थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जी। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से है और मेरे मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर में ही है, माफ कीजिएगा मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर में कुल 11 प्रत्याशी जरूर है लेकिन यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है और जिन 8 सीटों पर पश्चिमी यूपी में चुनाव हो रहा है पंकज रूबिका, ये बड़ा दिलचस्प यहाँ पर मुजफ्फरनगर में हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जाति है, धर्म है, किसान है, गन्ना है। और हमने वो कवरेज देखी रूबिका की जिसमें काफी चीजें साफ हो गई कि किस तरीके से चुनाव होने जा रहा है, किस ओर करवट चुनाव लेने जा रहा है। लेकिन जो गठजोड़ यहाँ पर हुआ है कुछ दलों का चुनाव से ठीक पहले, वो एक बड़ा रोल यहाँ पर अदा करने जा रहा है। बाकी मैं पोलिंग बूथ की बात कर दूं तो यहाँ पर बकायदा यहाँ पर एक पुकार रहे हैं सहारनपुर से, जरा वहाँ कुछ हलचल है, एक बार मैं आती हूँ आपके पास मानव। नीरज देखिए रूबिका, अभी करीब 37 मिनट का वक्त बचा है जब पोलिंग की शुरुआत होगी लेकिन यहाँ कुछ मतदाता पहले से आना शुरू हो गए। आपका नाम, आप पहले आई हैं, सबसे पहला मत देना चाहती हैं यहाँ? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं यूपी में? क्या मुद्दे? बहुत अच्छे, बहुत हैं। जैसे क्या मुद्दा है अभी? विकास है, योगी मोदी बहुत अच्छा काम। आप क्या? विकास है और सबसे बड़ी बात अमन चैन है और सारा जितना हाईवे है और एजुकेशन पर सरकार ध्यान दे रही है। पहली सरकार ने हमेशा लूटपाट के अलावा कुछ नहीं किया, अपने बैंक भरे। ये ऐसी पहली सरकार है बीजेपी की जो विकास के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। पहले रात में निकलते हुए डर लगता था, लड़कियों को उठा लेते, दिन में उठा लेते थे, लोगों की गाय भैंस घर में से उठा करके काट देते थे। लेकिन ये आज जब से बीजेपी सरकार आई ये सब अमन चैन है और देश। आपके लिए क्या मुद्दे? देश की सीमाएं सुरक्षित है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश एक मुद्दा है, देश के लिए वोट बिल्कुल राष्ट्र सर्वप्रथम। आपके लिए आप देखिए देश नंबर एक पर, नंबर एक पे आप, देश नंबर एक, आप देश भी नंबर एक पर है, सुरक्षा भी नंबर एक पर है हमारी। बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे तो तैयारियां किस तरह की है। 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होगी उससे पहले ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल से आ रही है जहां कूच बिहार में मतदान से एक दिन पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। कूच बिहार में चुनाव से ठीक पहले वहां इस तरह का तनाव, इस तरह की टेंशन देखने को मिल रही है। यहां बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके की खबरें आती है, जैसे ही चुनाव नजदीक होता है वायलेंस हिंसा वहां का पहला जो है वो किरदार बन जाती है। ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की ये तस्वीरें हैं, जो घायल हैं उनको स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा है। एक दिन पहले ही इस तरीके के हालात अगर वहां खड़े होंगे तो वोटर्स में जरूरी है और के डर इस बात का फैलाया जाएगा और कोशिश होती है कि लड़ाई लगातार ये बदस्तूर जारी रहे। बिल्कुल, और आज जो पहली बार माफ कीजिएगा जो पहले चरण में जो मतदान होने जा रहा है रूबिका, उसमें जो 11 मोदी सरकार के मंत्री हैं उनकी किस्मत भी दांव पे लगने वाली है, तो जरा उनके नाम हम आपको बताते हैं। नितिन गडकरी, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं नागपुर सीट से वो चुनावी मैदान में, भूपेंद्र यादव अलवर सीट से, उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर बीकानेर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर संजीव बालियान की बात करें तो मुजफ्फरनगर सीट से, किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें सर्बानंद सोनोवाल की, पूर्व सीएम भी हैं, वो डिब्रूगढ़ सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट से,
ए मुरुगन नीलगिर सीट से, अजय भट्ट उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, निशित प्रमाणिक कूचबिहार सीट से, जहां की अभी हमने जिक्र किया, जहां हिंसा की खबर आ रही है। उसके अलावा जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, वो उधमपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये वो तमाम ग्राफिक्स है जिससे आपको पता चलेगा, जो नाम फग्गन सिंह कुलस्ते का भी ले रहे थे, केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुरुगन जो नाम आपने अभी सुना है वो आप जानते हैं नीलगिरी से, केंद्रीय मंत्री हैं, नीलगिरी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में जो 102 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसमें मोदी के 11 मंत्री भी अपनी किस्मत जनता के बीच में सौंप चुके हैं। निश्चित प्रमाणिक को आप देख रहे हैं जो कि कूच बिहार से पश्चिम बंगाल के अपने जीतने की दुआएं शायद कर रहे होंगे, लेकिन कड़ा मुकाबला हर इलाके में है। अब हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन 7 बजते ही वोटिंग जो पहली होगी, आप यकीन मानिए न्यूज 18 इंडिया पर उसकी तस्वीर